इसराइल ने जब से गजा में अपना हालिया हमला शुरू किया है तब से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है। अमेरिका ने लगातार इसराइल का समर्थन किया है, हालांकि इस देश में भी कई लोग गजा में इसराइल की कार्रवाई का विरोध करते हैं। कई मौक़ों पर गजा में सीज़ फायर यानी लड़ाई बंदी की भी मांग उठी है। ऐसा ही एक नज़ारा आज दक्षिण कैलिफोर्निया में देखने को मिला, जहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेन स्पीच दे रहे थे। बाइडेन चार्ल्सटन के ऐतिहासिक इमैनुअल AMI चर्च में 2015 में एक आतंकवादी हमले में मारे गए 9 अश्वेत लोगों को याद करते हुए भाषण दे रहे थे। इसी दौरान दर्शकों में मौजूद एक महिला बोल उठी कि अगर बाइडेन को इस चर्च में मरने वाले लोगों की इतनी ही चिंता होती तो वो गजा में भी लड़ाई बंद करने का आह्वान कर चुके होते। इसके बाद वहाँ मौजूद कई अन्य लोगों ने भी सीज फायर के नारे लगाना शुरू कर दिया। Look, folks, I understand their passion, and I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza, using all that I can to do. सुरक्षाकर्मियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर निकाला। बाइडेन ने इस पर अब जवाब देते हुए कहा कि वो लोगों के जज्बात समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इजरायली सेना को बाहर निकालने के लिए नेतन्याहू के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद चर्च में मौजूद बाइडेन समर्थकों ने 4 साल और के नारे लगाते हुए उनका समर्थन किया। आपको बता दें कि बाइडेन इस समय 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गजा में शांति लौटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 15,000 बमों और 57,000 मिसाइलों के साथ इसराइल को हथियारों की सप्लाई में बड़ा इजाफा किया है। 7 अक्टूबर के बाद से गजा में इसराइल के हमलों में अब तक 23,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही वेस्ट बैंक में भी करीब 350 लोगों की मौत हो चुकी है। जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचें।